हुकूमत तेलंगाना ने आज़मीन हज को हर किस्म की सहूलतें फराहम करने का वादा किया है। रियासती हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म की कोताही नहीं बरती जाएगी। इन मजमूई ख्यालात का इजहार रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली तलसनी श्रीनिवास यादव ने सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम के साथ हफ्ते के उस रेड रोज फंक्शन हॉल नामपली में आज़मीन हज के एक बड़े मरकजी तरबियती इज्तम को मुखातिब करते हुए किया। श्रीनिवास यादव के हाथों हज गाइड की रस्में जा अमल में आई। उन्होंने आज़मीन हज से दरख्वास्त की कि वो इस हज गाइड को लफ ब लफ गौर से पढ़े और इस पर अमल करें। वहीं हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने इस बड़े मरकजी तरबियती इज्तम की सदारत की। मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामे निज़ामिया ने निगरानी की। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने कहा कि हज एक मुकद्दस फरीज़ा है, इसको नहायत सदके दिल सब्र इस्तेक़लाल से तमाम मनासिक अदा करने की अशद ज़रूरत है। इस तरबियती इज्तिमा में जो बड़े पैमाने पर सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी ने अपनी जानिब से मनक़द किया था, रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से दूर दूर से आज़मीन हज की बड़ी तादाद रेड रोज़ फंक्शन हॉल पहुँची थी। रेड रोज़ फंक्शन हॉल तंग दामनी का शिकवा कर रहा था। जाने के लिए